हेलो, वेलकम टू इट साइंस। आज मुझे दोस्तों आपके साथ सोप और वायरस, सोप कैसे वायरस किल करता है, उसके पीछे साइंस क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर पी थॉर्डसन ऑफ सिडनी। आई हैव सीन अ ट्विटर अबाउट द रिएक्शन ऑफ सोप एंड वायरस। The link is in my description box। दोस्तों सपोज ये एक हैंड है, आप इसके ऊपर जो देख रहे हैं दिस आर एक्चुअली जर्म्स, दिस कुड बी वायरस, दिस कुड बी बैक्टीरिया। अगर आप ये इन्फेक्टेड स्किन के अटैचमेंट में आते हैं, अगर आप इसको टच करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वायरस आपके हाथ में आ गया। बिकॉज हमारे हाथ में वैसे ही कुछ ग्रीजी, मतलब कि कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता ही है, और वो ग्रीजी सब्सटेंस में, स्टिकी सब्सटेंस में ये वायरस स्टिक कर जाता है। और अब अगर आप कोई भी सावधानी ना बरते और अपना ये बेयर हैंड से अपना माउथ टच करें, या आइस को टच करें ऐसे रब करने के लिए, या नोज टच करें ऐसे रब करने के लिए, तो दिस वायरस will be entered into your body through these gateways, that is eyes, nose and your mouth। तो दोस्तों एक वायरस के अंदर क्या होता है, इट contains a RNA molecule, this is the genetic material। इसके जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरी सेल में इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। दिस RNA, it may be DNA also, but for coronavirus this is RNA, single stranded RNA। This RNA is kept within a capsule. This capsule is basically a protein. दोनों मिला के जो हो गया वो हो गया विरियन। But that is not the end. So we have a RNA, we have a protein capsule, and the third thing which is the weakest part of the virus, that is two layers of lipid. ये एक layer हो गया बाहर में जो fat से बना होता है, ये भी एक लेयर हो गया बाहर में जो फैट से बना होता है। सो वायरस हो गया एक डीएनए और आरएनए, देन एक प्रोटीन, बाहर का दो लिपिड लेयर यानी दो फैट से बना हुआ लेयर जो वायरस का सबसे वीक पॉइंट है। अगर आप इस वीक लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो देन द वायरस इज गॉन। दोस्तों अब देखते हैं सोप में ऐसा क्या होता है जो डॉक्टर्स बार बार बोल रहे हैं कि सोप यूज करो वायरस किल करने के लिए। अब एनी सोप कंटेन्स अ कॉमन थिंग विच इज कॉल्ड सोडियम लॉरेथ सल्फेट। विथ सोडियम लॉरेथ सल्फेट सम केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स। अगर आप इस सोप के अंदर देखिएगा तो आपको You will find this type of molecules. ये होता है एक soap molecule. This is one soap molecule. This is called amphiphilase. Why amphiphilase? Because amphiphilase means dual character. मतलब इसका दो character है. This part is polar. This attracts water. इस part को पानी बहुत पसंद है. This is non-polar part. This repels water, but this attracts fat. तो ये हो गया एक soap, जिसका एक part को water पसंद है, दूसरा जो part है उसको fat पसंद है। आइए देखते हैं अब ये virus पे कैसे हमला कर सकता है। दोस्तों अब ये soap molecule जो है वो virus पे कैसे attack करता है देखिए। तो अब virus, I have already said that the virus contains two lipid layers. दो layer होता है जो फैट का बना होता है, दोनों ही फैट का बना होता है। अब सोप का ये जो पार्ट है जो फैट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, आप जब अपने हाथ के ऊपर सोप लगाते हो तो अपने हाथ के ऊपर जो वायरस है उसके, उसका जो लिपिड लेयर है उसकी तरफ ये सोप, सोप का जो पार्ट है जो फैट की तरफ अट्रैक्टेड होता है वो इसमें ऐसे
घुस जाता है। तो अब ये सोप चारों ओर से वायरस पे हावी हो गया। सो नाउ हाउ दिस यूजफुल इज दिस सोप, दिस फैट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द सोप विल एंटर हियर एंड दिस विल डिसइंटीग्रेट, दिस विल पुल आउट द वायरस एंड द अदर पार्ट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वॉटर। सो नाउ द फैट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द सोप इज अटैच्ड टू द वायरस और ये जो वाटर अट्रैक्टिव पोर्शन है ये इसको ऐसे वाटर की तरह पुल करके ले जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपके हाथ में अगर एक मैग्नेट हो और दिस सीजर, दिस मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयरन पार्ट ऑफ दिस सीजर, द मैकेनिज्म इज लाइक दैट। अब ये जो हो गया, ये सोप के अंदर आप देख सकते हैं ये वायरस पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोप। और दोस्तों मेरे एक वीडियो में जो पब्लिश हुआ था ऑन 11th March 2020, आई टोल्ड यू अबाउट द टाइमिंग ऑफ हाउ लॉन्ग यू नीड टू वॉश योर हैंड एंड द टाइमिंग वॉज 20 seconds, बिकॉज ये रिएक्शन होने में कम से कम 20 seconds लगता ही लगता है। ये वायरस जब सोप अप्लाई करते हो आप तो कैसे बिखर जाता है? द सीक्रेट लाइज इन द बॉन्ड्स विद इन द वायरस। सपोज आप मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एलिमेंट है, मेरा ये राइट हैंड, माई लेफ्ट हैंड इज ऑल अनादर एलिमेंट। नाउ आई नीड दिस लेफ्ट हैंड नीड्स दिस इलेक्ट्रॉन, दिस राइट हैंड ऑल्सो नीड्स दिस इलेक्ट्रॉन। सो ये एक बार इसकी तरफ खींचेगा, ये एक बार इसको अपनी ओर खींचेगा। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी मेरे ये दोनों हैंड जो है वो अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विच मेक्स द स्ट्रक्चर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। दोस्तों ये होता है डायमंड में, डायमंड का स्ट्रक्चर आपको मालूम है इट्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड्स विच इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ इनसाइड द वायरस देयर आर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स विच मेक्स द वायरस सो फ्रेजाइल। Then friends, lock yourself from entering the virus. Follow the government guidelines. Thanks for your time.